इंडिया। अहमदगंज गजिया रेलवे फाटक को पहले की तरह आवागमन के लिए चालू रखने की मांग जोर पकड़ रही है। रविवार गजिया व ज्ञानपुर रोड के व्यापारियों ने एक होटल में बैठक कर रणनीति पर विचार किया। बैठक में नगर के प्रबुद्ध वर्ग सहित भाजपा विधायक, जिलाध्यक्ष व पालिकाध्यक्ष भी उपस्थित रहे। एक स्वर में निर्णय लिया गया कि फाटक के दोनों ओर रेलवे की ओर से दीवार उठाने नहीं दिया जाएगा। बैठक में व्यापारियों ने कहा कि गजिया फ्लाईओवर रेलवे के हिस्से का निर्माण अंतिम चरण में है, निर्माण कार्य प्रभावित न हो रेलवे ने दोनों ओर से दीवार उठा रखा है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन व्यापारी चाहते हैं कि निर्माण के बाद मार्ग को पूर्व की तरह बहाल रखा जाए। चूंकि पुल गजिया से और आई रोड को जोड़ेगी, जबकि ज्ञानपुर रोड जाने वालों के लिए फाटक से होकर गुजरना ही सहूलियत है। बैठक में विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि हम जनता के साथ हैं। फाटक के दोनों ओर दीवार उठाकर मार्ग अवरुद्ध उचित नहीं है, इससे व्यापारियों व आम जन की दिक्कत बढ़ जाएगी। भरोसा दिया कि फाटक मार्ग अवरुद्ध नहीं होने दिया जाएगा। जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया, कहा इस संबंध में एक प्रतिनिधि मंडल डीएम से भेंट कर लिया जाए। जिलाध्यक्ष व पालिकाध्यक्ष अशोक जायसवाल ने व्यापारियों को भरोसा दिया। ये आज के लगभग 8-9 महीना पहले ये निश्चित हुआ था, उसमें जिले के जिलाधिकारी के तरफ से अपर जिलाधिकारी मौजूद थे, एसडीएम मौजूद थे और सभी अधिकारी, क्षेत्र निगम के अधिकारी मौजूद थे एवं रेलवे विभाग के भी अधिकारी मौजूद थे। तो जैसा कि हमको लोगों ने बताया था कि रेलवे या पुल बन उधर ब्रिज बन जाने के बाद गजिया का जो रेलवे क्रॉसिंग है, जो फाटक है, वो बंद कर दिया जाएगा। तो उसी समय यह निर्णय लिया गया था कि गजिया का फाटक ये बंद नहीं होगा, और उसके लिए हमने उस समय भी कहा था, और जो भी लिखा दिशा निर्देश था वो पत्र व्यवहार का काल उस समय भी कर दिया गया था। कोरोना जैसी महामारी में थोड़ा सा अगर इधर उधर हुआ होगा तो वो फिर जिलाधिकारी महोदय की ये बात संज्ञान में है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात मैं बता चुका हूँ। ये गजिया का रेलवे फाटक ये किसी भी कीमत पे ये बंद नहीं होगा। अगर बंद होगा तो उसमें व्यापारियों का बहुत बड़ा अनहित होगा, और ख़ासकर जैसा कि मैंने पहले बताया था कि गजिया का रेलवे फाटक ये पुल उतना उपयोगी नहीं है, पुल से उतनी जनसंख्या नहीं आएगी जाएगी जितना कि गजिया फाटक से नीचे, इसलिए कि जिन लोगों को औराई जाना है वही इसका पुल का प्रयोग करेंगे, या जिनको मार्केट में आना है औराई के तरफ से वही इस पुल का प्रयोग करेंगे, बाकी इस पुल का प्रयोग कोई नहीं करेगा। इस पुल का प्रयोग जिसको औराई से आना है वो सीधे चला जाएगा इंदिरा मिल होते हुए। तो इस पुल की जितनी उपयोगिता नहीं है, उससे अधिक उपयोगिता जो रेलवे की नीचे क्रॉसिंग है उससे है, इसलिए कि किसी को अगर ज्ञानपुर मुख्यालय जाना हुआ तो वो ओवरब्रिज से नहीं जाएगा, वो रेलवे की क्रॉसिंग से नीचे होकर के ही ज्ञानपुर जाएगा। चाहे हमारे मार्केट में ज्ञानपुर के तरफ से जो सबसे बड़ी आबादी, चाहे वो ज्ञानपुर की हो, चाहे भदोही विधानसभा की सुरियामा की हो, वो पुल पे कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता, पुल पे नहीं जाएगा, इसलिए कि भदोही या अगर बनारस जाना है तो वो नीचे से ही जाएगा। इसलिए किसी भी सूरत पे ये जो गजिया का रेलवे क्रॉसिंग है वो फाटक नहीं बंद होना चाहिए। इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं ऊपर भी बात करके, और भारत सरकार को, चूंकि हमारी सरकार है उत्तर प्रदेश में, हम गजिया का रेलवे क्रॉसिंग जो है वो बंद नहीं होगा, वो खुला रहेगा। और ऐसा कई जगह हुआ है, प्रस्तावित भले हुआ कि हम ओवरब्रिज बनाने के बाद, चूंकि ये पूर्व की सरकारों ने ऐसा काम करते थे, पूर्व की सरकार अगर ये किया, पूर्व की सरकारों में अगर मुआवजा दिया गया होता तो आज ये पुनः अधूरा नहीं रहता। तो पूर्व की सरकारों में तो केवल वो लोग मात्र काम को शुरू किए, पैसे की व्यवस्था नहीं किए। हमने, मैं चुनाव जीता, इसके बाद पैसे की व्यवस्था किया, पुल का निर्माण कार्य करवाया, और आज तक जब से मानी ये पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, काम बंद नहीं हुआ। मैंने रेलवे में जो सबसे, आपको मैं उदाहरण बताना चाहता हूँ कि इंदिरा मिल के पहले जौनपुर सिटी का ओवरब्रिज बन रहा है और सब बनकर के कंप्लीट हो गया, लेकिन रेलवे वालों ने अभी तक नहीं बनाया, वो पुल अभी तक चालू नहीं हुआ। मैंने अथक प्रयास से रेलवे वालों से इंदिरा मिल का वहां पे स्लैब डलवा करके उसको कराने का काम किया,
मैं जानता था कि ओवर ब्रिज में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वह रेलवे, रेलवे के ऊपर जो रेलवे पुल बनाता है उसकी है। इसीलिए हमने रेलवे को निर्देश दे करके, रेलवे के अधिकारियों से रिक्वेस्ट करके उसको पूरा करने का काम किया। जो एक दो लोग, मैं अपील कर रहा हूँ कि जो एक दो लोग अभी मुआवजा नहीं लिए हैं वो मुआवजा ले लें, और मैं समझता हूँ कि मुआवजा जैसे ही हो जाएगा वैसे 15 दिन के अंदर, इवन 15 डेज, मैं इस पुल को चालू करवा दूंगा। लेकिन जो नीचे पुनः कहना चाहते हैं, सेतु निगम किसी का काम है? अब मात्र तो केवल सेतु निगम का है, वो भी मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि जो पहले निश्चित हुआ है, सेतु निगम जहाँ पे पाया डाल करके समाप्त था वहां से दीवार बनाने की बात थी, तो वो दीवार अब नहीं बनेगी बल्कि पिलर से ही बना करके, ताकि दोनों तरफ का लोगों का आवागमन बना रहे। तो निश्चित रूप से बहुत ही जल्द हम इसको, बहुत ही शीघ्र इस पुल को बना देंगे, और रेलवे क्रॉसिंग किसी भी कीमत पे बंद नहीं होगी।